वीडियो में हम लोग कर्क और मकर रेखा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और दिन और रात के बारे में और चट्टानों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कर्क एवं मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप यूएसए, मेक्सिको, बहमास, माली, मोरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, द अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया जो फ्रांस में है, बोत्सवाना एवं नामीबिया से। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। दिन और रात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विषुव या इक्विनोक्स वर्ष के दो काल हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है 20 और 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर को, जो होते हैं दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं? 20 और 21 मार्च को और 22 और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। कब होते हैं? भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं पूरे वर्ष। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा का पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 और 22 दिसंबर को। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा 20 और 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 और 22 दिसंबर। और ग्रीष्म अयनास प्रतिवर्ष होता है 20 और 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है वह है 21 जून। पृथ्वी एवं उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास। एक विद्वान जिसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से होती है, वह किसने कहा है? ओ स्मिड ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसों, धूल और कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु नापते हैं यूरेनियम डेटिंग से। महान हिमयुग का संबंध है प्लिस्टोसिन युग से। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है वह है 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी को लघु हिमकाल कहते हैं। डायनासोर का काल था आज से लगभग 6,70,00,000 वर्ष पहले। महाद्वीपों के अलग होने का कारण है विवर्तनिक क्रिया। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है वह है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसे कहते हैं पेंजिया। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन के दुष्प्रभाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य का काल है लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले पूर्व। वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा वह है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र। बलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का।
पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है विद्युत चुंबकीय विकिरण और भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्ण, पृथ्वी का परिक्रमण। अब हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। सही कथन क्या है? परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर जो है वह पानी के नीचे बनते हैं। अग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। वे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। वे क्रिस्टल्स में भी होते हैं और विदाउट क्रिस्टल्स भी होते हैं। क्रंगलो मरेट ग्रेनाइट शेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। वो है ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म नहीं होते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है अग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय चट्टानों का। अवसादी शैलों का उदाहरण है बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि। थैंक यू।